हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी सा चिकन रेसिपी। तो ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 2 तेज पत्ते और खड़े मसालों में हमने लिए हैं 2 से 3 इलायची, 2-3 ही हमने लौंग ली है और 2 से 3 ही हमने काली मिर्च ली है। तो इन्हें भी फ्राई कर लेंगे हम बिल्कुल गरम तेल में। और इसके बाद हमने यहाँ पर लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज, इन्हें भी हमने बिल्कुल बारीक कट कर फ्राई कर लेना है। गोल्डन फ्राई होने तक हमने इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका कलर भी अब चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, तो हमने इसे भी बिल्कुल पका लेना है। इस तरीके से चलाते हुए इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए। तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स 1 चम्मच नमक। नमक स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। तो इसे डालने से टमाटर हमारी बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हम लेंगे गरम मसाला, 1/2 चम्मच ही हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये कम तीखा होता है और इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच भरकर लिया है चिकन मसाला। इन मसालों को हम हल्का सा फ्राई कर अब आप इसमें पानी ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं। तो यहाँ पर हमने छोटा सा ही कप पानी का डाला है और इस तरीके से हम मिलाकर इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मसाला हमारा अभी अच्छी तरीके से नहीं पका है, तो हम इसे थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच भरकर दही। तो इसे चलाते हुए हमें पकाना है। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो हमारी दही यहाँ पर फट जाएगी और इससे मसाला हमारा बिल्कुल भी स्वाद नहीं बनेगा। तो इस स्टेज पर आप मसाले को बिल्कुल चलाते हुए पकाइए। और इसके बाद हमने 1 कप पानी और ऐड करा है। अब देखिए ये मसाले का कलर कितना बढ़िया निकल कर आया है। इसी तरीके से आप इसमें मसाला बनाइए। यहाँ पर देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर ऐड करा है 1/2 kg चिकन और इसे हम 2 मिनट तक भूनते हुए पका लेंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए इसे पका लीजिए। अगर फ्रेंड्स आप हमारी रेसिपी को फॉलो करके ही चिकन बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इससे मसाले भी बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड करा है। हम इसे भूनते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा इसका कलर आ चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अब हम इसे लिड लगाकर पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर और पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और ये चिकन बिल्कुल भुन चुका था। अब हम इसमें डाला है 1 बड़ा कप पानी का। पानी डालकर अब हमें इसे 15 से 20 मिनट तक पका लेना है, जिससे कि चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर लेड लगा के अब हमने इसे 15 मिनट के लिए सिम गैस पर छोड़ देना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए अब हमारा चिकन बनकर ऑलरेडी तैयार हो चुका है। बीच बीच में हमने इसे 1 से 2 बार मिक्स कर दिया था। ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि कैसे बनी। ये देखिए फ्रेंड्स,
हमने इसमें ग्रेवी नहीं लगाई है, अगर आप रखना चाहें तो इसमें पानी डालकर ग्रेवी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सर्व कर लेंगे इसे। बहुत ही बढ़िया टेस्टी चिकन बनकर तैयार हुआ है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज और थोड़ी सी कटी हुई अदरक। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।